अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद एसके। मैं हूँ शबीना ख़ान और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कबाब समोसों की रेसिपी। ये हमारे कानपुर में बहुत ज़्यादा फेमस है। इनफैक्ट इसको खाने के लिए तो लोग लंबी लंबी कतारों में लगना भी मंजूर करते हैं। ये कबाब समोसे वैसे तो हमारे यहाँ नाश्ते में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में या फिर आप स्पेशली इसको बरसात के मौसम में भी बना के इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तभी तो लोग इसके इतने दीवाने हैं। आपको अगर इसको घर में बनाना है तो इसको वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा। देखिए मैंने इसको कैसे बनाया है, बहुत आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। आप हमारी बताए हुए तरीके को फॉलो करेंगे, बहुत आसानी से आपके घर में भी ये बन के तैयार हो जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका मैं शेयर करती हूँ हर वीडियो में, तो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं इसी तरह की आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती हूँ। और इसके साथ जो बनाए हैं कबाब, वो भी बिल्कुल मार्केट जैसे, बिल्कुल मार्केट वाले टेस्ट और लुक में। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं इसको कैसे बनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग तैयार करेंगे समोसों का डो। समोसे के डो को बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए होगा मैदा। मैदे को अच्छी तरह से छान के लेना है। मैंने यहाँ पर वज़न में लगभग 500 ग्राम मैदे का इस्तेमाल किया है। तो 500 ग्राम मैदा लीजिए, उसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कीजिए और 1 टी स्पून शुगर ऐड कीजिए। सॉल्ट और शुगर को ऐड कर देंगे, उसके बाद 1/4 टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, दोनों में से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने 150 ग्राम दही लिया है। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं लीजिएगा, वरना आपके ये समोसे थोड़े खट्टे से लगेंगे, तो नॉर्मल दही लीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है इनो। इनो के 2 शीशे मैंने इस्तेमाल किए हैं और ये मैंने लिया है लेमन फ्लेवर में। तो लेमन फ्लेवर में ही आप इसको ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा इसमें लेमन वाला फ्लेवर। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने पहले 1 सैशे ऐड किया है, फिर दोबारा से दूसरा सैशे ऐड किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही, ऑयल, शुगर वगैरह जो भी चीज़ें इसमें ऐड की हैं, सारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे के साथ में। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से आप करिएगा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप बिल्कुल इसी तरीके से आप फॉलो करेंगे तो आपके जो समोसे हैं बिल्कुल अच्छे जालदार सॉफ्ट से बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर लिया है, देखिए ये इस तरह से आपको नज़र आने लगा होगा। तो बस इसको इस तरह कर लेंगे। अब यहाँ पर लिया है मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी। तो पानी आप गुनगुना ही लीजिएगा, तब इसको इसमें आप इसका डो लगाइएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये डो जो हम लोग लगा रहे हैं, इसको हमें बहुत ही ज़्यादा नरम डो बना के तैयार करना है। बिल्कुल भी टाइट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट आपका डो होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा गीला गीला सा है, लेकिन ये गीला नहीं है, अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अगर आप ये कबाब समोसे बना रहे हैं सर्दियों में या फिर कुछ ठंडे मौसम में बना रहे हैं, तो आप इसको ओवरनाइट रखिएगा अच्छे से उठने के लिए, यानी कि आटा हमारा अच्छी तरह उठे, तो उसके लिए आपको इसको ओवरनाइट छोड़ना होगा। और अगर आप इसको गर्मियों में बना रहे हैं तो 2 से 3 घंटे के अंदर ही आपका आटा बनके तैयार हो जाएगा। तो इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि सर्दी में या फिर थोड़े ठंडे मौसम में, जैसा कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में भी ये जल्दी से उठता नहीं है, तो इसके लिए भी आपको 5-6 घंटे वेट करना होगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसको ओवरनाइट आप रख दें, तो बहुत अच्छा आपका आटा तैयार होगा, बिल्कुल जालदार आटा बन जाता है। और फिर उससे जो बनाए हुए समोसे हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जालदार बन के तैयार होते हैं। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी टिप्स दे दी है, तो इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आटा हमारा कितना नरम है। अब इसको 5 से 10 मिनट इसी तरह से छोड़ देंगे, अच्छे तरह ये सेट हो जाए। फिर मैं आपको आगे दिखा दूँगी कि इसको कैसे और करके इसको रात भर के लिए छोड़ना है। तो अगर बहुत ज़्यादा जैसे कि मई जून का मौसम है, तो फिर आप इसको 2-3 घंटे में ही आटा आपका ये तैयार हो जाएगा किसी गर्म जगह पर रखने के बाद, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये 10 मिनट के बाद ये आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो सेट होने के बाद मैंने इसको थोड़े से बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र किया है। इसमें हल्का सा ऑयल लगा लिया है पहले बर्तन में, और फिर जो आटा आपको दिखाया था
तो उसको थोड़े बड़े बर्तन में रखें, क्योंकि अभी जब ये उठेगा ना आटा तो ये डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको ले लिया है आटे को, और इसको एक दो बारी अच्छी तरह, जिस तरह हम लोग रोटी का आटा गूंथते हैं, इस तरह से इसको गूंथ लेंगे। तो पहले तो अच्छे से मिक्स किया था गर्म पानी के साथ, थोड़ा नरम आटा लगाया था तो गूंदना थोड़ा मुश्किल होता है। 10 मिनट से रख देंगे, सेट हो जाएगा। उसके बाद ये इस तरह से बहुत ईजली आपका आटा ये बन के तैयार हो जाएगा। अब इसको कवर करके मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया है। अब हम लोग कर लेंगे कबाब बनाने की तैयारी, जिसके लिए मैंने सबसे पहले मसाला तैयार किया है। इसमें 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, रेगुलर ज़ीरा, और 1 चम्मच मैंने लिया है सूखा खड़ा धनिया। और यहाँ पर मैंने हाफ से थोड़ा सा कम, यानी 1/4 टीस्पून कह सकते हैं आप, इतना मैंने लिया है अजवाइन। ये सारे मसालों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, दरदरा सा पाउडर तैयार करेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है कीमा। कीमा ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, ये मटन का कीमा है। आप चाहें तो बीफ में भी इसी तरह से बना सकते हैं। तो इसको मिक्सी से 1-2 बार गुजार लेंगे, ये इस तरह से हो जाएगा आपका कीमा। बस इसी तरह से आपको इसके कबाब बनाने हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, तो इसको बिल्कुल ऑमलेट की तरह मैंने कट कर लिया है, रफली कट किया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है। तो अगर आप बारीक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, 2 हरी मिर्च हैं और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है जिसको बारीक कट कर लिया है, उसको ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ली है सौंफ। सौंफ को मैंने भूना नहीं है, और ये मसाला है जो इसको भून लिया है, जो आपको दिखाया था खड़ा मसाला। तो सौंफ का भी दरदरा सा पाउडर तैयार करेंगे, और पाउडर जो मसाला दिखाया था उसका भी दरदरा सा पाउडर, ये दोनों पाउडर इसी में ऐड करेंगे। पाउडर ऐड कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 4 चम्मच लिए हैं बेसन के, ये भुना हुआ बेसन है, अच्छे से खुशबू आ जाए। बेसन को इतनी देर आप ड्राई रोस्ट कर लीजिए तवे पर, बिल्कुल हल्की सी खुशबू आ जाए और थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, बस उतना इसमें ऐड कर दीजिए। और यहाँ पर 1/2 टीस्पून के करीब मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है। रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पर लिया है सॉल्ट, सॉल्ट को भी मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड किया है। बेसन आप इसमें इतना ही ऐड कीजिएगा, तो इससे आपके जो कबाब है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है, उसको भी इसी में ऐड कर दिया है। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करिएगा कीमे में मसाले सारे, ताकि आपका जो कबाब बने वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। और बहुत ही ज़्यादा सिंपल से तरीके से मैंने आपको ये बताया है, जिससे आपको बनाना बिल्कुल आसान होगा, और टेस्ट इसका वाकई बहुत लाजवाब होगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको एक बार। कीमे को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ दिया था। आप चाहें तो इसको 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। असल में मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ सुबह नाश्ते के लिए, तो मैंने यहाँ पर इसको इसलिए रात में ही दोनों चीज़ों को बना के रख दिया था। पहले मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट छोड़ दिया था साइड पे। जब 10 मिनट हो गए हैं, तब उसके बाद मैंने इसके कबाब तैयार किए हैं, और कबाब तैयार करने के बाद मैंने इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख के छोड़ दिया था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने इसको जो कबाब बनाए थे वो किस तरह बनाए हैं। तो यहाँ पर मैंने इतना पोर्शन ले लिया है, आप चाहें तो इससे छोटे या फिर इससे बड़े भी बना सकते हैं। एक्चुअली जो मार्केट में मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा से छोटे साइज़ में होते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखा है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बनाया, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो आप चाहें तो इसका साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं। मार्केट में तो बहुत ज़रा ज़रा से कबाब होते हैं, वो इस तरह से उन लोग बना के देते हैं, लेकिन ये हम जब घर में बनाते हैं तो अपने मन मुताबिक अपने मर्ज़ी से जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, बिल्कुल इस तरह से मैंने इसको बना के तैयार कर लिया है। सारे कबाब बना लेंगे तब इसको ओवरनाइट मैंने फ्रिज में छोड़ा है। आप चाहें तो इसको मतलब आप तुरंत 2 घंटे के बाद भी इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सुबह के लिए बना रही थी। तो अगर आपको नाश्ते में बनाना है तो आप इसी तरह से कर लीजिएगा। तो ये देखिए दूसरे सुबह मैंने इसको निकाला है और 2 घंटे के लिए बाहर छोड़ दिया है, ताकि ये अपने रूम टेम्परेचर पर आ जाएँ। अब मैंने इसको यहाँ पे किया है फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, सरसों का ऑयल इस्तेमाल किया है मैंने, और ये मीडियम हॉट ऑयल में इसको एक एक करके इसमें ऐड किया है। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिएगा, अगर आप ओवरनाइट फ्रिज में छोड़ रहे हैं तो ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए, उसके बाद ही आप इसको फ्राई कीजिएगा, वरना जो कबाब हैं आपके वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे, बिल्कुल ठंडे होंगे। और एकदम से आप मीडियम हॉट ऑयल में इसको फ्राई कर देंगे तो आपके कबाब सारे के सारे सख्त हो जाएंगे। तो हमें ये चाहिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो इसलिए आपको ये ज़रूर फॉलो करना है कि आप इसको
2 घंटे या 1 घंटा जब तक आपका कबाब जो है रूम टेम्परेचर पर नहीं आ जाता तब तक आप उसको फ्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है और बहुत ही खुशबूदार हमारे कबाब बनके हो गए हैं तैयार। तो आपको कैसे लगे ये कबाब? अगर पसंद आए हो तो इसको यहीं पर ही लाइक कर दीजिए। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि समोसों को कैसे तैयार किया जाता है हमारे कानपुर में। तो कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं, अब बना लेते हैं समोसे। समोसों का आटा मैंने ओवरनाइट छोड़ा था और ये आटा हमारा बिल्कुल हो गया है तैयार। देखिए ये कितना ज़्यादा जालदार, बस समोसों के लिए हमें इसी तरह से जालदार आटे का होना ज़रूरी है, ऐसा ही आटा हमें चाहिए। हमारा बिल्कुल परफेक्ट आटा बनके तैयार हो गया है समोसों के लिए। तो अब चलिए इनके समोसे कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। समोसे हमारे यहाँ 2 तरीके से बनाए जाते हैं कानपुर में। 2 तरीके से जो समोसे हैं उसको सर्व किया जाता है, एक तो प्लेन बनते हैं, दूसरे बनते हैं स्टफ़ करके। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है, एक कटोरी में ऑयल ले लीजिए, एक चॉपर या फिर आप बेलन पटरा जो यूज़ करते हैं वो ले लीजिए, लेकिन बेलन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे और हाथों से इसको बनाएंगे इस तरह से। आप थोड़ा सा पोर्शन ले लीजिए लोई का और इस तरह से इसको फैलाते हुए। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये प्लेन वाले समोसे कैसे बनते हैं। तो बस इसको नॉर्मली इस तरह से आप फैला लीजिए और उसके बाद इसको उठा के फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए जो आपका ऑयल है वो बिल्कुल मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए और ना ही ये बिल्कुल स्लो होना चाहिए। और इसको इसमें ऐड करेंगे, अच्छे से इस तरह से घुमाते रहेंगे और आपके बहुत ही ज़्यादा फूले फूले से समोसे बनके तैयार होंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, टेस्ट में तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे और ये जो बने हैं ना अंदर से बहुत जालदार हैं, बहुत सॉफ्ट हैं और बहुत ही कमाल के समोसे आपके बन के तैयार हुए हैं। तो आप एक बार इसको घर में ट्राई करेंगे तो फिर बाज़ार से मंगाना तो भूल जाएंगे। तो कभी भी आप बनाइएगा तो हमारी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो ये देखिए हमारे बढ़िया से समोसा बनके तैयार हो गया प्लेन वाला। अभी मैं आपको दिखा दूंगी कि स्टफ़ वाले कैसे बनते हैं। तो उसके लिए भी इस तरह से आप ऑयल लगाइए, आप एक प्लेट भी ले सकते हैं इस तरह से अगर आप बना रहे हैं। अगर प्लेट नहीं है कुछ भी आप इस ले लीजिए इस तरह, उस पर ऑयल लगा लीजिए और फिर एक पोर्शन ले लीजिए लोई का, उसको थोड़ा फैला लीजिए पहले। फैलाने के बाद इसमें जो हम लोगों ने जो कबाब बनाए थे उसका कुछ पोर्शन मैंने रोक लिया है, जो फ्राई किए हैं कबाब। बाकी के कबाब तो फ्राई हो गए हैं लेकिन ये कच्चे कबाब हैं जो आपको मसाला बना के तैयार किया था कबाबों का, उसको इसमें रखेंगे, अच्छे से फैलाएंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें और रखा है, जो मार्केट में मिलते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा कंजूसी से स्टफ़ करते हैं, लेकिन हम लोग जब घर में बनाते हैं तो अपने मन मुताबिक भी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें और रखा है, चारों तरफ से इसको पैक कर दिया है इस तरह से और फिर इसको अच्छे से हाथों से फैला लीजिए। देखिए इसको पलट दीजिए चारों तरफ से, इसको इस तरह से हाथ घुमाते हुए ऐसे फैला लीजिए, आपका बहुत ही बढ़िया स्टफ समोसा भी बनके तैयार हो जाएगा। आप यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे और जब भी आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप मुझे ज़रूर दुआ देंगे। तो इस तरह आप ज़रूर फॉलो कीजिए, अगर आप हमारी बताई हुई रेसिपी आपके किसी भी काम आती है तो हम मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए, और रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए ये फैला दिया है और फैलाने के बाद इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह आसानी से ये बन जाते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। अगर थोड़ा बहुत से खुल भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, बहुत आसानी से फ्राई हो जाएगा। यहाँ पर ऑयल हमारा बहुत अच्छे से मीडियम है, हॉट है, और उसके बाद इसमें ये समोसे ऐड कर दिए हैं, अब ये अच्छे से पकेंगे। तो 1-2 मिनट के बाद आप इसको इस तरह से हिलाते रहिए और ये बहुत ही शानदार आपके स्टफ़ समोसे भी बन के तैयार हो जाएंगे। आपको रेसिपी पसंद आया करिए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि वीडियोस तो आप लोग वॉच करते हैं बट लाइक करना भूल जाते हैं। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर रेसिपी पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं रेसिपीज पसंद आ रही है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री होता है। और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब किए हुए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी बताई हुई बाकी की रेसिपी कैसी लगी या ये रेसिपी कैसी है। तो आपके किसी भी काम आए मेरी बताई हुई कोई भी टिप्स या फिर रेसिपी, तो प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। मैं बार बार दुआओं के लिए ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये तो बात हो गई हमारी और आपकी दुआओं की, और मैंने यहाँ पर देखिए इसी बातों बातों में ये स्टफ़ समोसा भी बना के कर लिया है तैयार। तो कैसा लगा आपको ये स्टफ़ समोसा बनाने का भी तरीका? बहुत ही ईजी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये रेसिपी है।
तो इसी तरह से मैंने बाकी के भी समोसे बना के तैयार कर लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। आप जिसके आगे भी सर्व करेंगे तो लोग आपसे एक बारी ज़रूर पूछेंगे कि आपने इसको मार्केट से मंगाया क्या, तो तब आपको लाजमी हमारा जो चैनल है उसका लिंक उनके साथ ज़रूर शेयर करना है कि मैंने आपको ये रेसिपी बताई है और आपके ये कितने काम आई। तो हमारी और आपकी बातों के बीच ये कबाब समोसे भी बन के हो गए हैं बिल्कुल तैयार। मैंने इसको कर लिया है प्लेट। इसको मैंने जो कबाब हैं वो रखे हैं और जो प्याज है थोड़े से प्याज के लच्छे हैं प्लेन वो रखे हैं, और साथ में दही, हरा धनिया, पुदीने की चटनी है। ये बहुत ही ज़्यादा मस्त है, इसके साथ ज़रूर सर्व की जाती है ये चटनी। तो दही वाली चटनी है, आप इसके साथ इसको ज़रूर सर्व कीजिएगा। और ये देखिए मैंने आपको दिखाया है कि कितने ज़्यादा अंदर से जालदार और कितने सॉफ्ट और कितने ही ज़्यादा टेस्टी ये समोसे बन के तैयार हुए हैं। और ये देखिए हमारे स्टफ़ वाले जो समोसे हैं ये भी बहुत शानदार बन के तैयार हुए हैं। तो आप चाहें तो इसको इसी तरह से चटनी के साथ खा सकते हैं, या फिर इस तरह से कबाब का एक पोर्शन लीजिए और इसको इसमें चटनी में डिप करिए और इंजॉय कीजिए। बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, इंशाल्लाह आप सबको पसंद आने वाली है ये रेसिपी, तो ज़रूर ट्राई कीजिए एक बारी। और ये जो बारिश का मौसम है ना, इसमें ये आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो ज़रूर एक बारी आप इसको बारिश के मौसम में और एक बारी इसको सर्दियों में ज़रूर बनाइएगा। बिल्कुल हमारे बताए हुए तरीके को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और जो ये कबाब बने हैं ना, वो अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी हैं, सॉफ्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं एक परफेक्ट कबाब और समोसे में, तभी आपको ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी बताना मुझे बिल्कुल मत भूलिएगा, और ट्राई कीजिएगा तो भी बताइएगा कि आपने बनाया कैसे लगी। तो मैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह की और भी आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और कुकिंग विद एसके चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नई किसी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।